पर एक कल्पना जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करे दिन है वो कल्पना ला साकार करके हमारे बाबू हमारे लड़का हमारे भाई हमारे भतीजा जो भी कई लवा उमेश पटेल करके दिखा दी बोला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री के एक एक निर्देश के पालन करते हुए बहुत शानदार काम करे हैं और आप सब लई हमला है तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविन्द्र चौबे जी बहुत बढ़िया ढंग से आप मतलब समझाए की कोशिश करे हैं हम नाउ सुने रहते हैं आज मुख्यमंत्री का मगर तबीयत खराब है और गलल आवाज नहीं निकल आप मतलब ज्यादा मजा आ रही मैं चौबे जी के धन्यवाद कर रहा हूँ भाई प्रेम साई जी के काम के स्वागत मोहम्मद अकबर भाई के स्वागत हमारे उमेश पटेल के फिर स्वागत अमरजीत भगत ये बहुत अच्छा आदिवासी कार्यक्रम कराए हैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मरकाम भाई विधायकगण शिशुपाल जी धनेन्द्र साहू जी अनिता एवं शर्मा जी एजाज हेबर जी और यहाँ उपस्थित मंडल साहब आयोजन छत्तीसगढ़ में हुई आदिवासी मन के एक जगह थोड़ा भी शिकायत नहीं मिले आज पूरा देश ले हमारे प्रदेश ले युवा मन आए हैं एक जगह लड़ाई न एक जगह झगड़ा 7,000 ले ज्यादा लड़का लड़की मन बैठ के साथ ही आनंद करे हैं नाचे हैं गाए हैं कूदे हैं खेले हैं कोई शिकायत नहीं और ये व्यवस्था अगर हो है तो प्रशासनिक अधिकारी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहता कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के नाम में रोशन करें भूपेश भाई के नाम में रोशन करें और पूरा मंत्रिमंडल के साथी मन के जो सहयोग है ओकर नाम में रोशन करें विवेकानंद जी के युवा मन में एक सपना जिसे एक आदर्श जिसे एक मार्गदर्शन जिसे उठो जागो संघर्ष करो ये नारा था संघर्ष करो तो मतलब संघर्ष करो मुख्यमंत्री जी सिखात है सिर्फ सिखात नहीं है संघर्ष में पूरा राज्य सरकार तुम्हारे संघ में है ये बात मैं बताते कि जागो उठो संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं साथ रहेंगे आगे बढ़ो और जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक संघर्ष करते रहो ये दिशा में अगर कोई काम करत है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो युवा मन के विशेष ध्यान के संदर्भ में सोचत ये बात हमारे से कोई छुपे वाला नहीं है युवा अवस्था बहुत नाजुक पथ है बहुत नाजुक दौर है चाहे शिक्षा से चरित्र निर्माण कर लो चाहे शिक्षा से नौकरी को जब शुरू कर दो जो कुछ भी हो एक बहुत नाजुक दौर है और ये समय अगर अच्छा आदमी के अच्छा सरकार के हाथ मिल जाते हाथ पकड़ के चले बल तो निश्चित रूप से वो प्रदेश के युवा वो देश के युवा वो गांव के युवा सब ने एक नया जीवन सीखे के देखे के रास्ता मिलते बोला ये बात कहना मैं आवश्यक समझता हूँ आप मन जो खेल के माध्यम से जानता आप मन जो गाना करे के माध्यम से जानता आप मन जो नृत्य करे के माध्यम से जानता उमस ज्यादा से ज्यादा और बेहतर
तुम्हें प्रशिक्षण हो सके, ओकर बाद कि युवा महोत्सव ले अच्छा अवसर और कोई नहीं दे सके। और ये अवसर दे है भाई भूपेश बघेल जी, भाई उमेश जी, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी एला भुलाहा जन हमेशा याद करके जहाँ आज के 3 दिन के कार्यक्रम समापन हो थे। यहाँ जो भाईचारा के एक नया परिभाषा की भैया, एक साथ रह के, एक साथ खाना खा के, एक साथ उठ के, एक साथ बैठ के, एक साथ खेल के, एक साथ देख के, वो भाईचारा ला अव बांधे की जरूरत है। तुम्हार भाईचारा जब अव अच्छा बंधा ही तो निश्चित रूप से एक नया एकता छत्तीसगढ़ में जन्म ली। तुम्हार सौहार्द जब अव एक दूसरे से भेंट कर ही तो वह अव बेहतर खुशबू आई। तुम्हार ऊर्जा, तुम्हार क्षमता, ये सपन बढ़ाए पर युवा उत्सव के महत्व रही थे और महत्व साबित करके आपके मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दिखा दे हैं। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ाओ, देश लगाओ, प्रदेश लगाओ, घर लगाओ, परिवार लगाओ और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री के जो सपना है, खेलबो, जीतबो, गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़ साकार करा, इसके आप सब मन शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर किरणदास महंत जी, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेरक उद्बोधन यहाँ उपस्थित हजारों लाखों युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब हम संबोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं इस भव्य आयोजन के सूत्रधार, इस भव्य आयोजन को साकार रूप देने वाले युवा हृदय सम्राट हमारे मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। मैं उपस्थित आदरणीय डॉक्टर किरणदास मोहन जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर कुलसा जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, अमर भगत जी, मोहन मरकाम जी, महेंद्र साहू जी, अनिता योगेंद्र शर्मा जी, सरदार जीवन जी, शिशुपाल सूरी जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, भाइयों, बहनों, साथियों और सभी प्रदेश भर के कोने कोने से आए सभी प्रतिभा की छात्र छात्राएं, कलाकार, खिलाड़ीगण, सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों का भी सभी पत्रकारगण, मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के कार्यक्रम को देखूं, आपके साथ खेलने का अवसर मिलता तो खेलूं भी, ताकि अपने बचपन को याद करता, लेकिन स्वास्थ्य में साथ नहीं दिया, इस तरह से नहीं आ पाया। मैं 3 दिन बहुत आपके कार्यक्रम को मिस किया, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं आ पाया, इसके लिए इसका दुख मुझे जरूर है। मैं आपसे उद्घाटन नहीं करना चाहता, कुछ बात करना चाहता, सभी सुने, अजय पर नारा लगाए, भारत माता की, सभी तरफ से आवाज आने सुने, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, खेल वो, जीत वो, गढ़ वो, नवा छत्तीसगढ़ कैसे लगी? व्यवस्था कैसे रही? अच्छा, एक सवाल ये है, आप में से पहली बार रायपुर को नहीं कैसे बनाकर हाथ होता, पहली बार पहले जब बार बार आए मेरे हाथ मत उठाए, जब पहली बार आए रायपुर से हाथ उठाए,
कैमरा वाला घुमाओ भाई, देखिए देखे 7,000 प्रतिभागी मन हिस्सा ले सैकड़ों ऐसे जिन प्रतिभागी है जिन पहली बार रायपुर आए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक साथ 7,000 प्रतिभागी मन 3 दिन तक के रहे हैं। होकर मन के बोली, होकर मन के भाषा, होकर मन के रहन सहन, खान पान सब एक दूसरे जाने के समझे के अवसर मिले और उतरी स्थिति आयोजन हो गए, ताकि हमारे मन के बीच में हम कोनो ब्लॉक में रहन, कोनो गांव में रहन, कोनो जिला में रहन, हमारे मन के जिन संबंध है, हमारे मन के जिन भाईचारा है, हमारे मन की जिन एकता है, वो मजबूती के साथ बने रहा है और आयोजन युवा महोत्सव और आप सब मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, मंत्री जी भी देता हूँ और मंत्री के साथ साथ विभाग के अधिकारी मन भी बधाई देना चाहता हूँ। जैसे आदिवासी नृत्य महोत्सव बहुत शानदार हुई, उन्हें तो 1800 कलाकार आए रही से देश और विदेश से आए रही से, ये भी तो हमारे 7,000 नौजवान साथी मन आए है, उग्रो मन के रहे के खाना के आए जाए सब व्यवस्था बहुत शानदार से करे है। एक बार जोरदार जब व्यवस्था लगे सब अधिकारी कर्मचारी मन के सम्मान में एक बार जोरदार हमारे जी के नाम से सपने हमारे इश्तिहार मन के पुरखा मन के रीत से हमारे नौजवान मन के है, हमें खुशी रहा हमारे नौजवान मन में जोश के कोई कमी नहीं है, हमारे गांव के रहिया मन में प्रतिभा के कोई कमी नहीं है, सवाल अवसर के लिए प्रोत्साहन के लिए और वो काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए। आज हमारे जतेक भी प्रतिभावान जन छात्र छात्रा मन आए हैं, खिलाड़ी मन आए हैं, कलाकार आए हैं, वो बोला अतेक बड़ा मंच संभवतः पहली बार मिले हैं, वो से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये कलाकार मन के ये खिलाड़ी मन के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और कि नहीं हुए। तो मैं अवसर में और ज्यादा न कहते हुए एक दो बात आप मन से कहना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल चौबी जी कहे कि ये पहली बार नहीं होना चाहिए और ये आखिरी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पीछे बहुत सारे आदमी आते होना चाहिए, हर साल 12 से लेके 14 जनवरी के बीच 3 दिन तक के लिए बहुत तो हर साल है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर दूसरा हमारे खिलाड़ी बनाए हैं, प्रतिभागी बनाए हैं, कुछ ये खर्चा भी होना चाहिए, हर प्रतिभागी ने 500 रुपया शासन की ओर से देने की घोषणा करा, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना और अच्छे से आप लोग जितना अनुभव है इसको लेके जाए और छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ मदारी को सजाने में संवारने में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में आप योगदान दें। आप सबको विवेकानंद जयंती के पावन अवसर पर और साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हैं, अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय किसान।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय और मुला लगे कि एक बार हम सब जोरदार ताली बजा के उनका प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। उनका सब हृदयता है कि ऐसा स्वास्थ्य के चलत भी वहाँ हमार लड़का मन के ये व्यवस्था में युवा साथी मन जे नमन आए हुए हैं उनकर भर वहाँ पहुंची थे और सबको जन भर जत्था प्रतिभागी उनकर भर 500 रुपया के शासन के द्वारा उनकर मन भर मोहला दे के घोषणा करी से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमार माननीय मुख्यमंत्री का। और अब राजीव गांधी युवा मैदान क्लब इसके लोगों का विमोचन हमारे सम्मानीय अतिथियों के हाथों इस मंच से होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा ग्राम दुगली जिला धमतरी में 20 अगस्त 2019 को स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक एवं पुरातन खेल परंपरा को युवाओं के माध्यम से पुनः स्थापित करने हेतु राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन प्रत्येक गांव एवं शहरी वार्ड में करने की घोषणा की गई है और इस क्लब के गठन की मूल अवधारणा ग्रामीण एवं स्थानीय संस्कृति परिवेश सामाजिक सरोकार एवं आपसी प्राकृतिक समझ को बढ़ावा देना है जहां युवा वर्ग मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। राजीव गांधी युवा मितान क्लब ग्रामीण एवं शहरी युवाओं के सर्वांगीण विकास निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। दो राज्यों के साथ इस पहल की स्वागत हो हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं। राजीव युवा मितान क्लब लोगों का लोकार्पण हुआ, मैं इस अवसर पर आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसे हर गांव में इसका गठन किया जाएगा और हर महीने उस संगठन को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इससे आप सब सदस्य बनिए और सारे गतिविधि है युवाओं के उसको आप संचालित करें। जोरदार तालियां इस बेहतरीन घोषणा के लिए और हर प्रत्येक गांव में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे क्लब की परिकल्पना की गई है। गौरव आपको एक से एक सौगात के बारिश हो गई तो दो तालियां एक बार फिर से और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रोजगार संगी मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा रोजगार संगी मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है और रोजगार संगी मोबाइल ऐप रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाओं व्यक्ति विशेष और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के मध्य एक सेतु की तरह काम करेगा। क्रांति होती है वो केवल युवाओं के बदौलत होता है। आज तक के बड़े बूढ़े कभी तक परिवर्तन नहीं किए। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है युवाओं ने किया है। नवा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संकल्प को साकार करने में प्रदेश के युवा सबसे बड़े भागीदार हैं। इन युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से अपनी ही धरती पर रोजगार के बेहतर अवसर मिले इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने नया विजन सामने रखा है। रोजगार संगी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का ऐसा सार्थक कदम है जिससे हर प्रशिक्षित युवा को मिल सकेगा उनके सपनों का रोजगार। हम सबको किसी न किसी काम के लिए हुनरमंद लोगों की तलाश है और उन्हें बेहतर रोजगार है। इन दोनों का इंतजार अब पलक झपकते ही खत्म होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता का सबसे करीबी मित्र बनने वाला है, राज्य की तस्वीर बदलने वाला है। अब आपको जिस काम के लिए सही आदमी चाहिए वो यहाँ सर्च कर लेगा और अगर सही काम नहीं मिल रहा तो वो भी टेंशन खत्म। चिंता फिक्र तो भूल ही जाए। नाम पता मोबाइल नंबर क्वालिफिकेशन सबकी सही जानकारी और जहाँ पहले काम कर चुके हैं उनकी रेटिंग और रिव्यू में सब कुछ स्टेट स्किल डेवलपमेंट में अच्छी तरह चेक किया है। एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी भी इस ऐप में मौजूद है। तो रोजगार संगी ऐप इसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है और इस ऐप के माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी हैं उन्हें जो कौशल
विकास के बाद कौशल उन्नयन के पश्चात जो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं उन्हें बेहतर रोजगार पाने में मदद मिलेगी। और अब हम निवेदन करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जो प्रतिभागी हैं उन्हें किट का वितरण करेंगे। बस्तर से सुकमा जिले से बाल सिंह नाग हमारे बीच हैं, लोक नृत्य धुरुआ नृत्य इन्होंने प्रस्तुत किया, इन्हें किट वितरण किया जा रहा है। बिलासपुर से कुमारी कुमारी पूजापुर से कबड्डी राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, जोरदार तालियों से हमारे इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होना चाहिए। दुर्ग से कुमारी झरना योगी लोक नृत्य, तालियां बरकरार रखें, जोरदार तालियां। रायपुर के गरिया बंद से कुमारी भुवनेश्वरी भुंजिया कुमार भुंजिया कमार भुंजिया नृत्य की प्रस्तुति। सरगुजा के कोरिया से कुमारी रिया तामरजार वाद विवाद प्रतियोगिता, सरगुजा से जो टीम है आए। और अब बारी है पुरस्कारों के वितरण की। और पुरस्कारों में सबसे पहले 15 से 40 वर्ष आयु वर्ग में फुगड़ी महिला खिलाड़ियों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर की उर्मिला पटेल ने। तालियों के साथ हमारे युवा प्रतिभागियों का सम्मान होना चाहिए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है बालों की कुमारी तृप्ति ने 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में फुगड़ी के लिए। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है धमतरी की कुमारी रेणुका ने, जोरदार तालियां। एक और तालियां यहां पर बजते रहनी चाहिए मंच पर जब हमारे युवा प्रतिभागियों का सम्मान हो रहा है, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। दूसरी कैटेगरी भी 40 वर्ष से अधिक के भी प्रतिभागी हमारे साथ है, तो इस कैटेगरी में फुगड़ी महिला इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है तारावती ने गरियाबंद से। दूसरा स्थान है कुमुदनी रायगढ़, जोरदार तालियां। आप देख सकते हैं कि ये वो प्रतिभागी हैं जो 40 वर्ष से अधिक की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पुरस्कार जीता है। प्रथम स्थान कबीर धाम से राधा को जाता है। जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, ये सब आपके प्रतिनिधि हैं। और एकांकी नाटक 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है राजनांदगांव ने। एकांकी नाटक में तीसरा स्थान राजनांदगांव के प्रतिभागी मंच पर है, जोरदार तालियां बजाइए। रायगढ़ के प्रतिभागी जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, बहुत बहुत बधाई राजनांदगांव और रायगढ़। एकांकी नाटक 15 से 40 वर्ष के साथी से भाग ले रहे हैं। द्वितीय स्थान रायगढ़ को। रायगढ़ के इस वक्त बड़ी खबर आ रही कवर्धा से, जहां पर एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश का